मैं सागर हूं। गोस्वामी तुलसीदास और महाराजा छत्रसाल की गौरव भूमि बुंदेलखंड का अंश। इस यात्रा में मैंने अपने अंदर अध्यात्म, भक्ति, देश प्रेम और शिक्षा को पल्लवित होते देखा है, और इसी यात्रा का सबसे उज्जवल अध्याय है मेरे सपूत हरि सिंह गौर का उत्सर्ग। मेरा वो बेटा जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के नाम से संपूर्ण विश्व में मेरे अस्तित्व को प्रकाशमान कर गया। उसने अकेले ही अपने भागीरथी प्रयास से मेरी अमिट पहचान कर दी। ये उद्भव गाथा आरंभ हुई 1857 की क्रांति के साथ। बुंदेलखंड में जहां एक ओर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे वीर सपूत अपने लहू से अपनी शौर्य गाथा लिखवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर मैं एक अलग क्रांति की आहट को सुन पा रहा था। ये थी शिक्षा की क्रांति। शनिचरी टोरी में रहने वाले गरीब गौर परिवार ने अपने बड़े बेटे आधार सिंह को प्रारब्ध से लड़ते देखा और वो पहुंच गया कोलकाता मैट्रिक करने। लेकिन तब किसे पता था कि इसकी परिणति छोटे भाई हरि सिंह गौर को अद्वितीय उपलब्धि से आलोकित करने वाली है। पूत के पांव पालने में दिखने लगे थे। प्रखर हरि सिंह को देखकर उसके प्राध्यापक कृपाशंकर झा ने ठेठ बुंदेली में कह दिया था कि ये लड़का तो तिलगा है, आने वाले समय में खूब चमकने वाला है। गरीबी और संघर्ष से गुजरता हरि सिंह सागर से जबलपुर, नागपुर और डाउनिंग कॉलेज होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय केम्ब्रिज जा पहुंचा। केम्ब्रिज में उसने मेरे यश की ध्वजा ही गाड़ दी। उसके गणित, ज्ञान, कौशल और तर्क ने दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों को भौचक्का कर दिया था। मेरा वो लाल जिसने स्कूल में कदम रखा तो अंग्रेजी सरकार को छात्रवृत्ति के दरवाजे खोलने पर विवश कर दिया। वकालत करी तो श्रेष्ठ कानूनविद बनकर ब्रिटिश काल के बड़े से बड़े वकीलों को धूल चटा दी। कविता लिखी तो रैंडम राइम्स रच दी। आविष्कार किए तो खुद फाउंटेन पेन, शेविंग रेजर और बटन नाइफ बना दिया। हिंदुओं की वकालत की तो द हिंदू कोड बना दिया। शिक्षा दी तो दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनकर। जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में संसद में उसकी ओजपूर्ण समीक्षा कर दी। और जब दान दिया तो देश को महान विश्वविद्यालय दे दिया। उस पुत्र की दानवीरता का क्या कहूं जिसने बचपन में देखा था कि उसकी मां एक एक पैसा बचाने के लिए पहाड़ी से उतरकर पानी ला रही है, और उसी सपूत ने अपना सब कुछ 1300 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए न्योछावर कर दिया। अगर मैं उस दान की गणना करूं तो वो आज के 10,000 करोड़ रुपए से कम ना होगा। मैंने एक ऐसे विश्वविद्यालय को बनते देखा है जिसने विश्व का पहला योग कोर्स प्रस्तुत किया। ऐसा विश्वविद्यालय जिसने फॉरेंसिक, जियोलॉजी, फार्मेसी जैसे कई ऐसे विषय प्रस्तुत किए जिनकी शिक्षा देने में आज भी कई संस्थानों की सांस फूल जाती है। मेरे इस महान विश्वविद्यालय में पढ़कर आगे बढ़ी विभूतियों की सूची तैयार की जाए तो स्याही कम पड़ जाए। मेरे सपूत को सागर का बच्चा बच्चा अपना कुल देवता क्यों ना माने, और क्यों इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे में
हरि सिंह का प्रतिबिंब नजर न आए। अपने पुत्रों पर तो असंख्य पिताओं ने गर्व किया होगा, पर मैं सागर हूं। मुझे अपने पुत्र हरि सिंह का ऋणी रहने पर भी गर्व है। मैं सागर का हूँ और मुझे गर्व है। मैं सागर का हूँ और मुझे गर्व है। और मुझे गर्व मुझे गर्व है गर्व है मुझे गर्व है।